अस्सलाम वालेकुम, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मैं पी रही हूँ, स्टडी का टाइम है तो अभी मैं पी रही हूँ चिया सीड वाटर विद लेमन। और मैंने एग बॉयल करने के लिए रखा है, तो मैं एक ब्राउन ब्रेड सैंडविच खाऊंगी और एक एग खाऊंगी। हो सकता है सैंडविच ना खाऊं क्योंकि मैंने ना डिनर ही 1 बजे तक किया था, तो उसके साथ मैं सैंडविच लूँगी हो सकता है, तो या तो फिर एग और नट्स खाऊंगी। ठीक है, चिया सीड वाटर मैंने कंज्यूम कर लिया है। अब बॉयल एग हो जाए तो हम बॉयल एग खाएंगे और थोड़े से नट्स खाते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी फुल फिल हो चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं सैंडविच खा पाऊँगी, क्योंकि मैंने रात में ही 1 बजे मैंने ना प्रॉन ब्रेड के 2 स्लाइस खाए थे। बाबा रेशमी कबाब लेकर आए थे तो मैं उसके साथ खा लिए थे, और मुझे कबाब बहुत अच्छे लगे थे, तो उसके साथ मैंने देर से ही डिनर किया था। उससे पहले मैं पॉपकॉर्न खा चुकी थी और सुबह मैंने मतलब सही खा लिया था, मैंने राइस खा लिए थे। लेकिन मैं पूरे रमज़ान राइस नहीं खा रही, क्योंकि मेरी बॉडी जो है ना वो बहुत कर्वी है, तो इसलिए हमें राइस नहीं खाने। ये जो इतना ग्लो हो रहा है ना, मुझे नहीं समझ आ रहा है ग्लो क्यों हो रहा है, अल्लाह जाने। तो और गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर। मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और 1 बॉयल एग ले लिया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको योग निकाल देनी, योग नहीं निकालनी, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो और आप एक खा रहे हो पूरा, तो आप एक पूरा एग खा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप एक अंडा खा रहे हो उसमें से भी शक्ति निकाल दो। मैं ज़्यादा एग कंज्यूम नहीं कर सकती, मुझे वोमिट होना शुरू हो जाती है, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप 3-4 खा रहे हो तो ऑब्वियसली आप 2 एग्स की योग खा लो, या 1 योग खा लो और 2 निकाल दो, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी, मुक्ति गौतम और शिखा, तो ये सब यही बोलती हैं कि ना कि आपको होल एग खाना चाहिए, क्योंकि आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा होता है। तो ये आपकी अपनी अपनी मिथ होती हैं कि आपको खाना है या नहीं खाना। मैं खाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, आलमंड लिए है और क्या बोलते हैं अखरोट लिए, वॉलनट लिए, और मैंने तो अभी क्या बोलते हैं शॉर्ट्स रमीज शॉर्ट्स, तो क्या बोलते हैं रमीज, आप जल्दी जल्दी करो क्योंकि टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है, मैं क्या बात जल्दी से ठंडा हो जाए। चांद मुबारक, आज पहला रोज़ है हमारा और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो सबको, मामा की तरफ से भी मुबारक। और तो क्या करना है तुम्हें? नहीं, मैं अपनी लिए स्पेगेटीज बनाऊंगी होल वीट की, क्योंकि मम्मा ने कहा, मैंने सोचा था कि मैं पुलाव बनाऊं लेकिन मम्मा ने मना कर दिया, तो अब हम पुलाव ही बनाएंगे। लेकिन शुक्र बता दिया, ऐसा ना हो कि हमें उस टाइम बताते क्या बोलते सैरी से 5 मिनट पहले। बेचारे लड़कों की तो तरावी भी नहीं हुई, 1 दिन की तरावी मिस हो गई। ये तो बुरी बात है ना, इतना लेट बताया, अचानक वाली ईद थी, ईद बोले अचानक वाले रोजे थे, ईद भी ऐसी करते हैं लोग। गाइस मैं तो नहीं खाऊंगा, कि मैं जब भी मेरी चीज खा दो ना कोई भी, मुझे प्यास नहीं आती है, और मैंने अगर खा लिया ना फिर अजान हो गई मसला रहेगा। अजान शुरू हो गई, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि मैंने ब्रश कर लिया है, और बस शहरी की बुआ सऊदी मदन नवेतो मिन शहरी मिन शहरी रमजान मिन शहरी रमजान। तो अभी मैंने कुछ पार्सल्स मंगाए थे दराज से, तो वो चेक करते हैं कि क्या क्या है, नमाज पढ़ के उसे बाहर पढ़ के उठी।
मैंने कहा कि जल्दी से पार्सल चेक कर लूँ कि क्या है। ओके डिस्पोजेबल मैंने पेपर्स देखे थे तो शॉपर्स सॉरी तो ये मैंने मंगाए हैं डिस्पोजेबल तो ये मैंने डिस्पोजेबल शॉपर्स मंगाए हैं। ठीक है इसके साथ शायद ग्लास मंगाया ना ज्यादा टूटे ना हो पैकेजिंग तो इनकी अच्छी है लेकिन डर लग रहा है कि टूटे ना हो बस एक ये ग्लास है और एक टूट गया है येलो वाला और एक ये ग्लास है येलो वाला टूट गया है। तो मैंने ये मंगाए थे क्योंकि मुझे ऐसे क्लासेस बहुत अच्छे लगते हैं तो ये मंगाए। अल्लाह का शुक्र अज़ान शुरू हो गई है। नमाज़ पढ़ ली है मैंने और मैंने चीज़ें बहुत नहीं किया था तो अब वो पीऊँगी और एडिटिंग करूँगी। अगर मेरा व्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। रखा होगा तो लगा होगा ना तो नहीं होगा आंटी तुमने रखा है सच्ची बात।